गया बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी ने जिलाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एमएस के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिला किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव सहित कई एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनोरमा देवी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी है। इस मौके पर एमएलसी प्रत्याशी मनोरमा देवी की नीतीश सरकार को आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम जैसे महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। उन्होंने नामांकन के बाद कहा कि जनता का मान सम्मान्य का आदर करूंगी। मैं सबको आभार व्यक्त करती हूं, आज मेरा नामांकन हुआ है और हम अपने सरकार को जो एनडीए का सरकार हमारा देश में और राज्य में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हम मेरे जैसे महिला बैकवर्ड समाज की महिला को उन्होंने टिकट दे के एक मिसाइल कायम किया है और तीनों जिला से लोग मेरे आज आ रहे हैं। मैं सबको स्वागत करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ कि आप लोग आएँ और हमारा नामांकन में शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाएँ और आप लोग भी पत्रकार भाई सबको बहुत बहुत बधाई। आज आप लोग नामिनेशन में भी आए हैं, सब लोग सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार और हम लोग यही सोच के आगे बढ़ेंगे और आने वाला जो समय है वो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग चुनाव जीतेंगे। पत्रकार भाई फिर आप लोग से मिलेंगे। चुनाव मैदान में हम तो पिछले बार से पत्रकार भाई मैं रही हूँ, मुझे सभी चीज़ों को मालूम है। सबसे पहले तो मैं मान सम्मान देती हूँ आदमी को, मान सम्मान में सबसे आगे जो भी काम रहता है, जो भी तरह का काम है उसके लिए मैं तैयार रहती हूँ रात दिन, मैं जनता की सेवा में तत्पर। हमारी बड़ी भाभी मनोरमा जी एनडीए गठबंधन से आज पर्चा दाखिल किए। मैं एनडीए गठबंधन के माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पंचायत से जो जीत करके आए हैं, माननीय जिला परिषद, पंचायत समिति, माननीय मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, माननीय पंचायत समिति, सभी को मैं अपनी ओर से या मनोरमा देवी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ।